हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का आपका फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको सी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको हल कराया था, तो आज जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका सी टेट 2019 यानी सी टेट जुलाई 2019 सी टेट जुलाई 2019 का एग्ज़ाम पेपर है और यह है हिंदी सब्जेक्ट का, जो कि जिसमें लैंग्वेज वन के रूप में हिंदी चुनी थी वो आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसके जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा थोड़ा दोस्तों, इन पर क्या व्याख्या भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों यदि आप सी टेट के अलावा यूपी टेट या अन्य टेट को देते हैं तो दोस्तों उसमें ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चन पेपर में ग्रामेटिकल कहें या व्याकरणिक कहें यानी ग्रामेटिकल पोर्शन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो सी टेट होता है दोस्तों उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बल्कि आपके गद्यांश और पद्यांश के साथ साथ आपके जो है पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों इसमें कि इतना ग्रामर तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बट इसमें जो है आपको ध्यान लगा करके पढ़ना होता है जो इसके गद्यांश या पद्यांश या पेडागोजिकल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो शुरू करते हैं दोस्तों, लिखा है यहाँ पर, देखिए लिखा है कि प्रश्न संख्या 91 से 120 तक आपको इनके आंसर देने हैं और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि गद्यांश शुरू हो जाता है, तो हम गद्यांश को पढ़ेंगे उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसरों पर चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं, गद्यांश लिखा है 91 से 99 तक क्वेश्चन देने होंगे। लिखा है आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक की है, शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। यानी आजकल यहाँ पर क्या बताया गया है, शिक्षक के बारे में बताया गया है, जैसे कि पुराने ज़माने में शिक्षक एक ज्ञानदाता के रूप में होता था, आज क्या है, आज एक प्रेरक या मोटिवेशन या क्या है सहायक के रूप में शिक्षक को मानते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से दो कदम आगे जाना चाहिए, यानी कि पुरानी विधियों को छोड़कर नई विधि अपनानी चाहिए और उनसे भी आगे जाना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, लिखा है ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्य के प्रति अडिग अवस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सकें, पाठ्यगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, शिक्षक की बात की गई है। आगे बात करते हैं, लिखा है कि भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती, यानी भाषा शिक्षण में कई विधि होती हैं, जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार छंद विधान तुक आदि के प्रति आग्रह था, यानी कि मध्यकालीन में इन चीज़ों का बोलबाला था, लेकिन आज की बात करें आज लय और प्रवाह का महत्व है, कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है और निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली के महत्व हैं और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास होना जरूरी है, कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हर चीज़ शिक्षक के बारे में बताई गई है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी को चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो चाहे निबंध हो तो उसे किस तरह से तैयार होना चाहिए, यानी उसमें किस तरह के अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। लिखा है कि कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है, मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटन प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके, इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों के सीमित नहीं हो सकते, शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता, विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्कसंगत हो सकते हैं और सही भी, इसे खुलेपन चुनौती की स्वीकारना आवश्यक है। तो बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक और एक शिक्षार्थी की बात की गई है, यहाँ पे मेन बात की गई है कि आज का शिक्षक कैसा होना चाहिए, यानी परंपरागत तरीके से जो शिक्षा दी जाती थी उससे हटकर एक शिक्षक को होना चाहिए। इसी के आधार पर दोस्तों आज इसके क्वेश्चन हैं, इन्हें हम एक एक कर लेंगे। तो बात कर लें, पहला क्वेश्चन लिखा है 91 पर कि आधुनिक कविता महत्वपूर्ण है, आधुनिक कविता की बात कर लें तो यानी आधुनिक रूप के लिए छंद और अलंकार की बात करें तो दोस्तों ये प्राचीन काल में, भाषा शैली भी नहीं मानवीकरण भी नहीं, यहाँ पे बात की गई थी लय और प्रवाह की, लय और प्रवाह की इस जो पैराग्राफ में बात की गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इस गद्यांश में लिखा था
ये देखिए यहाँ पे लिखा ले और प्रव्याका, तो इसी के अनुसार हमें इनके आंसर देने होते हैं। इसके बाद दो नंबर पर बात कर लें यानी 92 की बात करने, लिखा है कि कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। यानी कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता यदि हमें बढ़ानी है तो हमें निहित कथन सूत्रों का पल्लवन करना पड़ेगा। यानी कि जो भी निहित सूत्र हैं यानी जो भी कहानी या कविता में कहा गया है ना उसके दोस्तों उसका अर्थ समझना पड़ेगा हमें, तब हम किसी भी पक्ष में मजबूत हो पाएंगे। आगे बात करें, लिखा है मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए जब भी नहीं आए इसको दोस्तों अंडरलाइन कर लें, इसे ध्यान देंगे। तो क्या कह रहा है कि मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, क्या मूल्यांकन रटंत का अंत करता है? तो देख लेते हैं, इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते। दोस्तों उत्तर पहले से निर्धारित होते हैं, यह सीखने की एक विधि है। तो यह सीखने की विधि नहीं है दोस्तों, ऐसे बात कर लें, यह क्या है कि ये एक सीखने की नहीं जबकि एक मूल्यांकन करने की विधि है। तो इसमें आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका निश्चित ढांचा होता है जबकि इसका निश्चित ढांचा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों अलग अलग मूल्यांकन अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, इसलिए आंसर दो नंबर ठीक हो जाएगा। इसके बाद कर लें नंबर 94 पर लिखा है दोस्तों, लिखा है कि समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? तो इसमें बात करें दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना। तो यहाँ में दिन प्रतिदिन द्वंद्व समास है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी जो है द्वंद्व समास नहीं है। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। विद्यार्थी के लिए अन्य जो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बात करें तो शिक्षार्थी और छात्र हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें, देखिए ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन एक आया था, ये लिखा है सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं उपसर्ग पहले आते हैं शब्द से और प्रत्यय बाद में आते हैं। बात कर लें सहभागिता, सहभागिता में भाग जो है मूल शब्द है और उप लगा के शुरू में उपसर्ग बनाया गया, सॉरी दोस्तों सहभागिता ना सह लगाकर उपसर्ग लगा है और इता लगाकर ये प्रत्यय बना है, तो पूरा बना है शब्द सहभागिता। तो आंसर हो जाएगा आपका दो नंबर राइट। इसके बाद आगे बात कर लें, लिखा है कि पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि देखिए पलाश के जो फूल है ना या वन है वो खिले होने के कारण क्या देखते हैं, आग के समान दिखते हैं। आंसर चार नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 900 के बाद दोस्तों वन एक मिनट दोस्तों 96 के बाद पहले यहाँ बात कर लेंगे दोस्तों, यहाँ 97 पर लिखा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। सबसे उपयुक्त अर्थ की बात करें तो दोस्तों समकालीन के लिए होगा यानी समय के अनुसार, समय के अनुसार क्या होगा समसामायिकी। 97 के बाद 98 आता है, ये देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। लिखा है कि कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षक प्रेरक है ज्ञानदाता नहीं, तो ये तो सत्य है। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों, छोड़ा जा सकता है परंपरागत विधियों को, और परंपरागत विधियों को छोड़कर ही आज का आधुनिक शिक्षक माना जा सकता है। 98 के बाद 99 पे बात करें, लिखा है शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई हैं। तो गद्यांश के अनुसार दोस्तों इसमें आया था कि पाठ के भीतर उभरने वाली परेशानियां। तो इसके बाद आगे बात करेंगे 99 के बाद 100 पे, और 100 पे देखिए दोस्तों ये आपको ये दिया काव्यांश, इसे पढ़कर 100 से 105 तक उत्तर देने थे। लिखा है कि आकाश का सफा बांधकर सूरज की चिलमन खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरम में सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे और किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूर्य डूबा अंधेरा छा गया। तो इसके आधार पर 100 नंबर से 105 नंबर तक आंसर देने हैं। तो दोस्तों 100 नंबर की बात करें, यहाँ पे पहले भी बताया था, तो दोस्तों ये जो बात थी इसमें आंसर 4 नंबर हो जाएगा जो अभी हमने आपको पीछे भी बताया था। इसके बाद 101 पर बात करें, लिखा है कि अंधकार सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है। यानी दोस्तों ऐसे मान के चले अंधकार तब आता है तब सूर्य अस्त हो जाता है, यदि सूर्य अस्त नहीं है तो अंधकार नहीं आता। तो यहाँ पर भी आंसर यही हो जाएगा, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। इसके बाद
लिखा है 102 नंबर पर, लिखा है अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है। इसमें दिया था सुनते हो की आवाज़, सुनते हो की आवाज़ का अवांश के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 103 नंबर पर, सिमटा बैठा है भेड़ों को गल्ले सा, किस प्रकार के, किस विकल्प में सही शब्द गल्ले के समानार्थी हैं। गल्ले का मतलब हो जाता है, बात करें रेवड़ झुंड भीड़ रेला, रेवड़ झुंड भीड़ रेला। उसके बाद लिखा है, तो देखिए ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है और ये भी आपका ग्रामेटिकल है। तो लिखा है कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी कौन कौन से, अंधकार और अंधेरा। तो देखिए ये तो आपका एक तत्सम है, एक तद्भव है, ये तत्सम और ये तद्भव, तो इसी के आधार पर आप लगा सकते हो क्या दोनों तत्सम है, नहीं दोनों तद्भव है, नहीं पहला तद्भव है, नहीं दोस्तों पहला तत्सम था, दूसरा तद्भव है। तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 105 नंबर पर, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है। तो इसमें आंसर था मोर की आवाज़ को। 105 के बाद 106 आ जाएगा इधर। हाँ दोस्तों 106 से देखिए पैडागोजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, इसे देखिए समझ की आवश्यकता होती है इसमें हल करने के लिए। बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक उपयोगी पाते हैं या मानते हैं। देखिए एक तो होती है आगमन, आगमन में दिया जाता है पहले उदाहरण, और दूसरा होता है निगमन, निगमन में पहले दिया जाता है नियम। तो यदि बच्चों को दोस्तों पहले उदाहरण बताएंगे वो विधि बहुत ही उपयुक्त रहेगी, इसीलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 107 पर चलते हैं, 107 पर यहाँ लिखा है दोस्तों, 107 पर लिखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य कौन सा नहीं है, क्या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, जबकि इसमें नहीं पूछा गया है दोस्तों। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा को जानना, खाली व्याकरणिक परिभाषाओं को जान लेना देखिए अच्छा उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। आप बात करें 108 पर, लिखा है 108 पर कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश क्या है। तो ये क्या है, नियमबद्ध तरीके से पहचानना जानना, ये सब क्या एक उद्देश्य होना चाहिए, तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 109 पर लिखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है डैश समृद्धि का भाषा व अन्य विषयक शिक्षा युक्तियों में उपयोग किया जाए। तो ये आपका आ जाएगा भाषिक और साहित्य, भाषिक और साहित्य राइट आंसर। 109 के बाद 110 इधर है दोस्तों, चलते हैं। लिखा है 110 पर कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा, हिंदी तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए क्योंकि इस कथन का औचित्य नहीं है। यदि हिंदी भाषा का हम हिंदी को स्थान दिलाएं तो इसका औचित्य नहीं होना चाहिए, हिंदी तर भाषियों के आक्रोश को शैलियों को परिचित कराना ये भी होना चाहिए, भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार करना तो ये भी होना चाहिए, आक्रोश को करना रहेगा। इसके बाद 111 पे लिखा, छोटा कर लेते हैं दोस्तों ताकि क्वेश्चन से पढ़ सकें। लिखा है कि विद्यार्थी की पढ़ने भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, तो इसमें जो दोस्तों आयोग ने माना था आंसर, इसमें 4 नंबर को माना था। इसके बाद 112 पे बात कर लें, तो 112 पे बात स्तर पर बच्चे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इनमें से कौन सा जिससे कि बच्चे की भाषा का आकलन किया जा सके। बात करें कि पहले पे लिखा मोर मोरनी का नाम किसादा, नृत्य भंगिमा को अपने शब्दों और चित्रों में प्रस्तुत करें, तो इसमें कई पोर्शन बच्चे के खुलकर आ जाएंगे, कई जो है उसके कई गुण जैसे कि चित्रण करना यानी शब्द लिखना, ये सब गुण निखार करके आ जाएंगे। इसके बाद इधर देखेंगे दोस्तों, इधर लिखा है 113 नंबर पर, लिखा है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों समृद्ध भाषाई परिवेश। 114 की बात करें, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने की आवश्यकता है, तो शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, नहीं दोस्तों यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखा है शिक्षक बच्चे की मातृभाषाओं का प्रयोग
आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई अनुभव करती है, संभव है कि डैश उसे ग्रस्त। यदि लिखने में कठिनाई महसूस करें तो ग्राफिया होता है, यानी डिसग्राफिया रोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। 116 पर बात करें, लिखा है 116 पर, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के समाचार पत्र विज्ञापन नहीं, हिंदी भाषा का साहित्य है मुद्रित सामग्री। तो यही आंसर आयोग ने माना था। इसके बाद 117 पे बात कर लें, तो 117 पे लिखा है दोस्तों कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार नहीं है। आधार नहीं है तो सीखने का मतलब दोस्तों होता जैसे कि स्कूल में जाकर व्याकरणिक रूप से सीखते हैं, और भाषा अर्जित करने का मतलब होता कि अपने आस पड़ोस परिवेश से जो भी भाषा बिना किसी नियम कायदे के हम अपने परिवेश या परिवार से सीखते हैं। तो इसमें जो आंसर था व्याकरणक आंसर था। इसके बाद बात कर लें, लिखा है स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का औचित्य क्या हो सकता है। तो इसमें जो बात की गई है ना दोस्तों, तो ये है भाषा को स्त्री के विमर्श से जोड़ने की बात की गई है, राइट आंसर। 119 पर बात कर लेते हैं, तो 119 पर लिखा है कि पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द लिखे, इस प्रश्न का डैश कैसा स्वरूप होगा। तो इसमें क्या होगा कि संदर्भ व्याकरण करना इसका आंसर हो जाएगा, संदर्भ, क्योंकि इसे और बढ़ा करके यानी बदल करके और बड़ा चढ़ा करके लिखने को बोला गया है, यानी अपने तरफ से क्रिएटिविटी करने के लिए बोला गया है। इस पर बात कर लें दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, तो उच्च प्राथमिक के लिए दिया जाएगा साहित्य के लिए साहित्य विधायक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहें और दोस्तों अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।